शतवर्णम् कर्णगुणद्रेव वरिकल्पितकपोरोद्यान दामाभिराम गिरिशगिरिशताभ्याम् रारितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् मां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्तदाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वदारी प्राणान्नो भगवते पुरुषाय तुभ्यं तद्दिव्यमव्ययं धामो सारसद्भवास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्छटा श्रीराम जय राम जय जय की सीमा है। यहां भी हम किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी के चरित्र का वर्णन करते हैं, तो यही हमारे मुख से निकलता है कि इनका जीवन गंगा जैसा पवित्र। इसी प्रकार दूसरी जितनी भी पवित्र नदियां हैं भारत की, सबके आगे गंगा लगता है। गोदावरी गंगा, कृष्णा गंगा, कावेरी गंगा, बैन गंगा, जहां भी पवित्रता विवक्षित होती है वहां पर गंगा शब्द का प्रयोग होता है। तो वो गंगा हमारी
संस्कृति, सभ्यता, धर्म। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा का संबंध हमारे परलोक से। भगवान शंकराचार्य ने अपने एक स्तोत्र में कहा है, भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जलव कणिका पीता, सखित प्रियस्त मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। जिसने थोड़ी भी गंगा भगवद गीता का अध्ययन कर लिया और एक बूंद भी गंगा जल जिसके मुंह में चला गया, और जिसने भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ली, यमराज उसकी चर्चा नहीं करता, तो वो गंगा है। और यहाँ तक कि गंगा में गंगा का जल पिए, गंगा का दर्शन करे, ये भी हमारे लिए कल्याणकारक। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, कुतो विचिर यदि तव गतालोचन प्रथम त्वमा पीता पीताम्बरपुर निवासं वितरसि तदुत्संगे गंगे यदि पतसि कायत्तनुभितां तदा मातस्सातकृतोपदलाभोऽप्यति लघु। इसका अर्थ है, हे माता गंगे, जिसने आपकी वीचियों का दर्शन कर लिया, वीची माने तरंग, जिसने आपकी तरंगों का दर्शन कर लिया, उसके लिए अवीची कहाँ रह गया? अवीची नरक का नाम। आपकी तरंगों का दर्शन करने वाले के लिए अवीची नहीं रहता है, कुतो अवीची। और तमा पीता, जिसने आपको पी लिया, आप उसको पीताम्बरपुर निवासम वितरसि। पीताम्बरपुर भगवान का जो वैकुंठ धाम है वो आप दे देती हैं उसको, जो आपका जल पी लेता है। और हे गंगे, तुम्हारी गोद में जिसका शरीर छूटता है उसके लिए इंद्र पद भी तुच्छ हो जाता है। कथा आती है कि एक गरुड़ किसी सर्प को मार कर अधमरा करके चोंच में दबाए कहीं जा रहा था कि किसी सुरक्षित स्थान में इस सर्प का भक्षण करेंगे। वो पूरा मरा नहीं था। जब उड़ते उड़ते गंगा की धारा के बीच से उड़ा तो वो सर्प उसकी चोंच से छटक के गंगा की धारा में गिर गया, वहाँ वो मर गया। परिणाम ये हुआ कि वो चतुर्भुज विष्णु बनकर उसी गरुड़ की पीठ में बैठ के वैकुंठ चला गया। ये गंगा है। आज देखो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के विरोध में लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाओ। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो गंगा का प्रदूषण है, यही भ्रष्टाचार। गंगा में गंगा जल डालना, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा? तो ये गंगा का महत्व हमारे शास्त्रों में है। गंगा में हमने अगर जीवन में स्नान नहीं किया तो भावना करते हैं कि हम मर जाएं तो हमारा हमारी भस्म, हमारी अस्थियां ही कम से कम गंगा में चली जाए, क्योंकि
गंगा जल से अगर आप प्रभावित हो गई तो निश्चित रूप से दुर्गति से बच जाएंगे। ब्राह्मण के श्राप से जिसकी मृत्यु हो जाती है निश्चय उसको नरक होता है। तो सगर के 60,000 पुत्र भगवान कपिल देव के श्राप से भस्म हो गए थे, तो ऐसी स्थिति में उनका नरक सुनिश्चित था। किंतु जब राजा भगीरथ गंगा जी को लेके आए और जहाँ वो 60,000 पुत्रों की भस्म और हड्डियाँ पड़ी थी उनको गंगा जल ने अपने जल से गंगा जल ने आप्लावित किया, वो सब वैकुंठ चले गए। आप देखिए गंगा की कितनी बड़ी महत्ता है। गंगा के तट पर ही राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। हस्तिनापुर गंगा किनारे था, तो राज छोड़ के गंगा के किनारे वो कुशासन में बैठ गए। गंगा के साथ न जाने कितनी कथाएं जुड़ी हुई हैं। और अभी आप लोगों ने सुना गंगा हमारे लिए हमारा प्राण है, गंगा यदि न रही तो भारत की विशेषता ही क्या रहेगी। इस देश की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ गंगा है। हमसे गुजरात के एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज आप अमेरिका कब जाओगे। हमने कहा जब गंगा चली जाएगी तो चले जाएंगे। गंगा हम लोगों का जीवन है, सब कुछ है। और जैसा कि आपने सुना गंगा की धीम धाराएं हैं। श्रीमद् भागवत में आता है वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीं पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्री तत्पाद शरीरम यथा। भगवान वासुदेव की कथा के संबंध में यदि कोई प्रश्न करता है तो तीन पुरुष पवित्र हो जाते हैं। एक तो कथा सुनाने वाला पवित्र होता है, दूसरा पूछने प्रश्न करने वाला पवित्र होता है, और तीसरे तटस्थ लोग जो सुनते हैं वो पवित्र होते हैं। तत्पाद शरीरम यथा, जिस प्रकार गंगा के भगवान का जो चरण का प्रक्षालन है वो पाद शरीर है, वो जैसे तीन पुरुषों को पवित्र करता है, जिसके लिए गंगा लाई गई उसको पवित्र किया, जो लाया भगीरथ उसको पवित्र किया, और जो आज भी उसमें स्नान करता है वो भी पवित्र। पवित्र ही नहीं, आपको स्नान करने का मौका न मिले तो ये भी लिखा है गंगा गंगेतियो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विलोकन सगच्छति। जो सैकड़ों योजन से भी गंगा गंगा बोलता हुआ चल रहा है, गंगा नहीं पहुंच पाया, बीच में प्राण पखेरु चले गए, तो भी वो समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में चला जाता है। तो ये बात इसके जो भगीरथ हैं ये ज्ञान स्वरूप स्वामी जी। हम हरिद्वार में गए थे, अपने आश्रम का छोटा सा आश्रम बना ना उसके उद्घाटन में, तो लोगों ने हमको बताया कि
जी डी अग्रवाल इस समय उत्तर काशी में गंगा का प्रदूषण, गंगा में जो बांध बांधे जा रहे हैं उसके विरोध में अनशन कर रहे हैं। तो हम लोग गए वहाँ और इनको समर्थन दिया और उसके पश्चात कुछ लोगों ने इनको वहाँ से हटा के दिल्ली भेज दिया, लेकिन ये उस कार्य में सदा से लगे रहे, आज भी कितना प्रसिद्ध हैं। और हम ये बता रहे थे कि गंगा की तीन धाराएं, ये तो हमने आपको बता दिया, एक तो चली गई स्वर्ग जिसका नाम अलकनंदा, दूसरी चली गई पाताल उसका नाम भोगावती, और तीसरी का नाम भागीरथी। अलकनंदा फिर स्वर्ग से लौटकर यहाँ आ गई, और वो अलकनंदा गंगा जल निश्चित रूप से इसलिए भी है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, गच्छोद्धव मया दृष्टा बदरियाख्यम अमाशमम, हे उद्धव मेरे आदेश से मेरे बदरी नाम के आश्रम में जा और वहाँ अलकनंदा के दर्शन से तू हत किलबिश हो जाएगा। अलकनंदा वो मेरा पादोदक है, ये भी लिखा है, वो मेरा चरणोदक है। तो भगवान श्री कृष्ण का चरणोदक विष्णु का चरणोदक है, क्योंकि विष्णु भगवान के, भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पहले से ही गंगा है। तो वो जो भगवान का मूल विष्णु रूप है उनका चरणोदक है, तो वो मेरे पादोदक के दर्शन से तेरे पाप समनष्ट हो जाए। तो वो अलकनंदा पांच प्रयाग बनाती है, पहला विष्णु प्रयाग, उसके पश्चात कर्ण प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग, और उसके बाद फिर भारत भूमि में आती है, इस भूमि को पवित्र करती है। तो पूरे भारत के लोग, न केवल उत्तर प्रदेश के, पांच प्रदेश पड़ते हैं गंगा किनारे, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, तो पांच प्रदेश गंगा के किनारे पड़ते हैं। तो ये पांच तो बड़े भाग्यशाली हैं, लेकिन ये भी कहा गया है कि गंगा के किनारे के लोग गंगा की महिमा नहीं जानते, दूसरे लोग जानते। जन सिंगल वासन बहु विधिवत सुरभ प्रयाग, जो सिंगल प्रदेश में रहने वाले हैं वो भी गंगा के लिए तरसते हैं। तो ये पूरे भारत के लिए आशा का केंद्र गंगा है, इसलिए इसके प्रदूषण को दूर करने का ये छुटपुट उपाय नहीं हो सकता। अगर वर्षा काल में घाट में मिट्टी आ गई है तो घाट की मिट्टी को धो देने से गंगा शुद्ध नहीं होगी, वो तो साधारण सा उपचार है। कुछ लोग हम लोगों को भ्रमित करते हैं, एक यहाँ गंगा प्रेमी है वो हमारे पास आए, बोले हम विद्युत सौदाग्र बना रहे हैं कि गंगा के किनारे लकड़ी में शवों को न जलाया जाए तो गंगा शुद्ध हो जाएंगे। ये सब के सब जितने उपचार हैं ये लोग सब के सब बहकाने वाले हैं, ये ऐसे लोग हैं जो मूल समस्या से लोगों का ध्यान हटाते हैं। मूल समस्या यही है। अब आप समझिए कि
बहुत से लोग कहते हैं गौ हत्या बंद कराना हो तो हिंदुओं को गाय नहीं बेचना चाहिए, नहीं बेचेंगे तो कहाँ से मुसलमान काटेगा, कसाई काटेगा। लेकिन जो सरकार कारखाने बना रही है, जो सरकार उनके काटने की व्यवस्था कर रही है, उनके गोमांस का बाहर निर्यात कर रही है, चमड़े का निर्यात कर रही है, उसके लिए काम होना चाहिए कि केवल हिंदू गंगा गाय न बेचें, इसी पर जोर लगा दो। इसी तरह से कुछ थोड़ी सी बातों को लेके बहुत से लोग हमारी मूल भावना से हमारा ध्यान दूर करना चाहते हैं। आप यहाँ कलकत्ते की गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण कर लें, उससे गंगा थोड़ी शुद्ध हो गई। जब तक कि उसमें मल बहता रहेगा, जब तक उसमें गंदगी रहेगी, तब तक वो शुद्ध नहीं हो सकती। केवल घाट को शुद्ध करने से क्या होगा? इसलिए गंगा की धारा अविरल बहे, गंगा में कोई बांध न बांधा जाए। बांध बांधने से क्या हानि है ये समझ लीजिए। जब नदी में बांध बन जाता है तो बांध के नीचे के जो जल जंतु हैं वो बिना पानी के मर जाते हैं, और जल जंतु ही पानी को शुद्ध करते हैं। इसलिए आप देखिए, जब हम लोग कुआं खोदते हैं, कुआं बनाते हैं, तो जब उसमें पानी आ जाता है तो उसमें मछली डाल देते हैं, कछुआ डाल देते हैं, तो वो गंगा वो जल के मल को खाते रहते हैं। इसी तरह से मछली, घड़ियाल, मगर, तरह तरह के जितने भी जल जंतु हैं, ये गंगा के भीतर रहकर, गंगा में अगर कोई गंदगी पड़ जाती है तो उसको खाकर समाप्त कर देते हैं। जब आप बांध बांध दोगे तो बिना जल के वो मर जाएंगे। उसके बाद अब वहाँ पानी इकट्ठा होते होते उस जगह कहाँ पहुँचेगा? वहाँ पर फिर अगर जल जंतु पैदा हुए तो दूसरी जगह बांध बांध दिया आपने, वो मर गए, फिर पैदा ही नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि गंगा में बांध न बांधे जाए। बिजली निकालने के कई तरीके हैं। हम लोग कुंभ के मेले में थे तो वहाँ के कुछ लोग थे, हम लोगों ने विरोध किया कि गंगा में बांध नहीं बांधना चाहिए, और ये जो वहाँ की सरकार विद्युत उत्पादन के लिए गंगा को बांध रही है ये गलत है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये जो मेले में साधु आए हैं इनकी बिजली काट दो तो पता लगेगा कि बिजली की क्या जरूरत है। हमने कहा ठीक है, तो हमारी बिजली काट दो और हम तुम्हारा नल काटे देते हैं। हम बिना बिजली के जिंदा रहेंगे, लेकिन बिना नल के तुम मरोगे। जल पहले जरूर, और बिजली की जहां तक बात है, इसकी खपत कितनी ही किस हद तक बढ़ सकती कोई सीमा नहीं है उसकी। जिनके घर में बिजली है वो चूल्हे का ही उपयोग नहीं करते, उसी में भोजन बनाते हैं, उसी में पानी गर्म करते हैं, उसी में सब कुछ करते हैं, तो उसी में पंखा, उसी में एयर कंडीशन, तो इतनी बिजली कहाँ से आएगी? और फिर उसके उत्पादन के लिए केवल जल की ही आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड में जल का इतना तीव्र प्रवाह है कि अगर तुम उसी में अपनी मशीन लगा दो तो बिजली पैदा हो जाएगी, बांधते क्यों? छोटी छोटी धाराएं हैं, उनसे आप बिजली निकाल लो, जितनी अपनी जरूरत है उतनी निकाल लो, और बाकी तुम गंगा को छोड़ो। तो ये सब गड़बड़ियां हो रही हैं, ये हम लोग जनता को समझा रहे थे।
लोगों के मन में ये बात बैठ रही थी और सरकार भी सुन रही थी, इतने में काले धन की बात आ गई। जितने भी चैनल हैं सब खरीद लिए गए, उन चैनलों में सिवा उनकी और कोई बात आती नहीं। फिर उसके बाद जैसी तैसी उनसे पीछा छूटा तो भ्रष्टाचार की आ गई। अब आप सोचो, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा तो यही है कि गंगा को तुम भ्रष्ट कर रहे हो। गंगा को भ्रष्ट करना नहीं है भ्रष्टाचार, तो पहले इसका विरोध करो। और इसके लिए अगर समाज इकट्ठा होता है, इसका विरोध किया जाता है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। पहले गंगा शुद्ध करो और गंगा जल सब लोगों को पिलाओ, तो उससे पाप की बुद्धि लोगों की दूर होगी, और पाप की बुद्धि दूर होगी तो भ्रष्टाचार भी दूर हो जाएगा। लेकिन जब मन में मलिनता रहेगी, खोटे विचार आते रहेंगे, खोटे विचार आएंगे तो भ्रष्टाचार भी आता रहेगा। और चाहे कितने कड़ा कानून बना लो, लोग कानून से बचते रहेंगे। एक व्यक्ति ने हमको बताया कि महाराज 144 धारा है, हम उसको तोड़ के बताए देते। हम तो कैसे तोड़ोगे? बोले कि जहाँ 144 धारा लगी है, हम अपनी आंख मूंद के डंडा हाथ में ले लेंगे। कहेंगे भैया हमको रास्ता बता दो। तो डंडा लेके चलना 124 धारा का उल्लंघन है, लेकिन अंधा कैसा करे? तो हम अंधा बन के डंडा लेके दिखा देंगे। ऐसे चालाक लोग जो होते हैं, जिनको भ्रष्टाचार करना है, तुम डाल डाल हम पात पात, वो तुम्हारे रोके नहीं रोकेंगे जब तक कि उनकी भावनाएं शुद्ध ना हो। और ये भी बात है, आपने जितने भी चैनल है सबको खरीद लिया है, वो तुम्हारी बात सुनाते हैं, तो वो चैनल वाले जो है बिना पैसे के थोड़ी दिखा रहे हैं। उनको तो पैसा एक एक मिनट का मिलता है। जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं व्यापारी लोग, वो जानते हैं कि एक क्षण का कितना मूल्य वो लोग लेते हैं। तो पूरे पूरे 24 घंटे का कितना लेते होंगे? वो रुपया कहाँ से आया? भ्रष्टाचार से ही तो आया। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, मल नहीं छुटई मलई के धोए, जित की पाव की मिबारी मिलोए। मल से धोने से मल नहीं छूटेगा और चुपर जाए, जित की पाव की मिबारी मिलोए। कहते जल को भिगोने से कहीं घी निकल सकता है? तो ये सब के सब छल हो रहा है, समाज के साथ धोखा हो रहा है। और इस बात को कह देना हम लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि हमारा किसी से वैर विरोध नहीं है, किसी की कीर्ति के हम विरोधी नहीं है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सदा के लिए ये गंगा का प्रदूषण बढ़ जाए। अब लगातार अलग रंजा में बांध बांधे जा रहे हैं, हम कब रोके, कहाँ से रोके? तुमने तो घेर लिया और तुम्हें भी कुछ नहीं मिला। सच बात तो ये है कि अन्ना हजारे ने जो शर्त रखी थी अनशन तोड़ने की, वो कहाँ पूरी हुई? उसने कहा कि इसको वहाँ मत भेजो, कमेटी में मत भेजो, सीधे इसको पास कर दो, 30 तारीख तक पास नहीं होगा तो मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा, ये सब कह रहे थे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, सरकार ने बेवकूफ़ बना के अनशन तोड़वा दिया। और वो कहने लगे कि हमारी विजय हो गई, आज ही विजय हो गई। कहीं विजय कहीं आज ही होती? आज ही विजय थोड़ी होती, विजय होती तो पूरी होती। लेकिन कैसे बेवकूफ बन जाते हैं लोग, देखो तो।
आधी विजय हो गई, आतिशबाजी होने लगी। एक जद्दू पहलवान था, वो कुश्ती में सबको पराजित कर देता था। तो एक जगह दंगल हुआ, उस दंगल में जद्दू पहलवान के साथ एक आदमी बढ़ गया और उसने उठा के जद्दू पहलवान को पटक दिया। लेकिन उसके अनुयायी बहुत ज़्यादा थे वहाँ, वो कहने लगे जद्दू पहलवान जीत गया जीत गया जीत गया। वो बेचारा जो जीता था उसकी कोई कीमत ही नहीं रही। इस तरह से हल्ला मचा दिया, आतिशबाजी होने लगी और यहाँ गंगा जी की बातें ही ख़त्म कर दिया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि चातुर्मास के बाद गंगा जी के बारे में फिर बात उठाई जाए और गंगा का प्रदूषण रोका जाए, अविरत धारा बहे, बांध न बांधे जाएं और गंगा को और गंगा की सहायक नदियों को बिल्कुल स्वच्छ रखा जाए, यमुना को भी स्वच्छ रखा जाए, नर्मदा को रखा जाए। तो पहली आवश्यकता गंगा की है। गंगा का में अगर हम सफल हो गए तो और जगह भी सफल हो जाएंगे और जल अगर शुद्ध हो गया तो हम लोगों का जीवन बचेगा, और नहीं तो बड़ी मुश्किल है। जल के लिए लोग लड़ेंगे। अभी एक बार कम वर्षा हो गई मध्य प्रदेश में, तो एक आदमी जरी कैन में कहीं से जल लेके जा रहा था, तो दूसरे प्यासे आदमी ने उसके पेट में छुरा मार के वो जरी कैन छीन लिया। जल के पीछे मार काट मचेगी। गंगा जल को अगर पीने लायक नहीं छोड़ोगे तो कहाँ पियोगे। ये सब बातें सोचने की हैं और इसके लिए काम करने की। और सदाचार अगर आपको लाना है तो राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाइए। जब राम मंदिर बनेगा तो राम के आदर्श को लोग अपनाएंगे कि राम का कैसा जीवन था, राम ने राम राज्य कैसे किया। डंडे के बल पर नहीं किया, कानून नहीं बनाया, राम ने धर्म का पालन करके दिखा दिया। तो जब उन्होंने धर्म का पालन किया तो सारी प्रजा धर्म का पालन करने लगी। भरत जी को राज दिया जा रहा था, वहाँ आता है वशिष्ठ जी ने भी कहा कि भरत तुम्हारे पिता ने तुमको राज दिया है। कहते हैं जिसको पिता राज दे, जिसको पिता चाहे वो राज्य का तिलक प्राप्त करे। जेई पितु देई तो सुच पावई टीका। तो पिता की आज्ञा राम ने जैसे मानी वैसे तुम भी मानो और राज करो। तो भरत जी ने उस समय उत्तर दिया कि आप मुझे राज्य क्यों देना चाहते हैं, अगर आप अपने कल्याण के लिए जन समाज के हित के लिए मुझे राजा बनाना चाहते हैं। तो लोक उबेद विदित सब काहू, चाहिए धर्म शील नर नाहू। लोक वेद में ये सब विदित है कि राजा को धर्मशील होना चाहिए। मोहि राज हट दे हऊ जमई, रसा रसा तल जाई तबही। यदि मुझे हट करके राज दे दोगे तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तो भरत के राजा होने से पृथ्वी रसातल में कैसे चली जाएगी। इसलिए चली जाएगी कि राज इतनी बड़ी चीज है कि अपने बड़े भाई को भी वनवास दिलाया जा सकता है। तो लोगों के हृदय में लोभ की भावना इतनी बढ़ जाएगी, वो एक दूसरे के लिए घातक बनकर भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगेंगे, समाज बिगड़ जाएगा, ये अनैतिकता फैल जाएगी। तो भरत जी ने छोड़ा
उधर रामचंद्र जी ने छोड़ा, धर्म के लिए दोनों लड़ पड़े, राज जो है गेंद हो गई, इधर से राम ने ठुकराया, उधर से भरत ने ठुकराया, और अंत में वो भगवान राम की पाली में जब गई तो भगवान श्री राम जब चले थे अयोध्या से तो श्रृंगवेरपुर में आते आते उनका राज्य जो है व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गया था। दंडकारण्य में सब राक्षस बैठ गए थे, ऋषि मुनि सताए जा रहे थे, लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने धर्म का पालन किया, 14 वर्ष तक पिता की आज्ञा का अक्षरतः पालन करके लौटे, तो सब प्रदीप सागर मेखला एक भूप रख कर रघुवर कौशला, सप्तीप बची पृथ्वी के एकमात्र राजा भगवान रामचंद्र जी हो गए, और कहीं कोई उपद्रव नहीं रहा, सब जगह शांति हो गई। तो जब तक कि आप अपना जो प्राचीन आदर्श है भारत का उसको नहीं अपनाओगे, देश का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए तो ये सब बात समाप्त करते हैं, कल फिर अपने लोग चलेंगे, और इस संबंध में भी आप लोग सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत अनर्थ हो रहा है। इस समय देश को लोग घुमा रहे हैं, कहीं का कहीं ले जा रहे हैं, जो सदाचार की भावना है वो देश में अगर नहीं आएगी तो देश का कल्याण कभी नहीं होगा। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे, जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद नामो धरमाधवे की, गोविंद नामो धरमाधवे की, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव।